नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालकों, स्वागत है आपका इस चैनल में। एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त विकास। किसान भाइयों, हर पशुपालक भाई यही चाहता है कि उसकी जो गाय और भैंस है वो डिलीवरी के बाद जो है अपनी फुल कैपेसिटी में दूध दे। लेकिन इसके लिए हम करते क्या हैं, हम जो उसे डिलीवरी के पहले आहार देते रहते हैं वही आहार हम डिलीवरी के बाद भी देते रहते हैं, तो इससे जो है बात नहीं बनती। इसके लिए जो है दोस्तों, आपको अपनी गाय और भैंस को डिलीवरी के बाद कुछ स्पेशल आहार देने होते हैं ताकि वो अपनी फुल कैपेसिटी में दूध दे सके। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बता रहा हूँ जिसके इस्तेमाल को अगर आप अपने पशु के मैला छटने के 15 दिन के बाद से देना स्टार्ट कर देंगे तो आप अपनी गाय और भैंस से जो है एक फुल कैपेसिटी में दूध प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो इस उपाय में दोस्तों, हमें लेना है लगभग 200 ग्राम सूखे हुए गुलर के फल। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये गुलर के फल हैं। इसे जो है आप किसी भी किराने की दुकान या जड़ी बूटी की दुकान में आसानी से खरीद सकते हैं। और ये जो है दोस्तों, गुलर के फल जो होते हैं ये पशुओं के दूध को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए जो हमें लेना है इसे। और इसमें डालना है लगभग जो है आधा लीटर के आसपास पानी, ताकि जो है ये सूखे हुए जो गुलर के फल हैं वो अच्छी तरीके से भीग सके, हमारे पशु इसे आसानी से हजम कर सकें, इसलिए इसे भिगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, हमें लेना है लगभग 50 ग्राम के आसपास जो है हमें तारामीरा लेना है। ये जो तारामीरा होता है दोस्तों, ये भी जो है बहुत ही आसानी से आपको किसी भी दुकान में मिल जाता है, और दोस्तों ये भी जो है पशुओं के दूध को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इसकी जो है हमें 50 ग्राम की मात्रा लेनी है, और इसे भी जो है दोस्तों हमें जो है अच्छे तरीके से भिगा लेना है। तो इसमें भी मैं पानी डालकर रख देता हूँ लगभग 2 घंटे के लिए। इसे भी जो है दोस्तों पानी डालकर रख देना है ताकि अच्छे तरीके से भीग सके। और उसके बाद हमें लेना है सहजन के पत्ते। सहजन जिसे कई जगह पे दोस्तों मोरिंगा या मुनगा भी कहते हैं, और इसके पत्तों में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिससे पशुओं को दूध बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। ये आयरन के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं दोस्तों, इसलिए जो है इसका इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो इसकी पत्तियाँ हैं दोस्तों, इसे जो है हमें तोड़कर रख लेना है। केवल पत्तियों का ही इस्तेमाल करना है, इसलिए जो है आप इस तरीके से जो है इनकी पत्तियों को तोड़ करके रख लें। और लगभग जो है इसकी जो है हमें आधा किलो के आसपास मात्रा चाहिए दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, ये लगभग जो है आधा किलो के आसपास हो चुका है, और लगभग 2 घंटे हो चुके हैं दोस्तों। तो ये जो हमारे गुलर के फल हैं ये अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। अब इसकी जो है दोस्तों हमें एक चटनी जैसी बनानी है, तो उसके लिए जो है हमें इसे अच्छे तरीके से पहले कूटना होगा। अच्छे तरीके से सभी जितने भी गुलर के फल हैं उसको आप कूट लीजिए, ताकि जो है इसे पीसने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप चाहे तो जो है इसे पूरी तरीके से सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो है सिलबट्टे का इस्तेमाल इसे मात्र कूटने के लिए कर रहा हूँ। और कूटने के बाद दोस्तों आप इसे जो है इस तरीके से तोड़ लें। तो चलिए अब इसे जो है मिक्सर ग्राइंडर के डब्बे में डाल देते हैं, और इसके बाद इसमें डाल देते हैं जो तारामीरा हमने भीगने के लिए रखा था दोस्तों। जो 50 ग्राम के आसपास जो तारामीरा थी वो अच्छे तरीके से भीग चुकी है, तो चलिए इसे भी इसमें हम डाल देते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो आधा किलो हमने जो है ये पत्ते लिए हैं सहजन के, इसको भी जो है इसमें डाल देना है, और अच्छे तरीके से बारीक जो है हमें इसे पीसना है दोस्तों। तो लगभग जो है हमें इसे 5 मिनट चलाना है दोस्तों, जिससे जो है ये जो जितने भी मिश्रण हमने डाला है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल चटनी जैसा तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से तैयार है। और इसके बाद दोस्तों, इसमें हमें लेना है लगभग जो है 200 ग्राम के आसपास गुड़। गुड़ जो है दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके से काम करता है। एक तो जो है ये इस मिश्रण के स्वाद को बढ़ाता है, जिससे हमारी गाय और भैंस इसे आसानी से खा लेती है, और साथ में दोस्तों ये जो गुड़ होता है ये पशुओं को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है, जिससे भी उन्हें जो है दूध बढ़ाने में मदद मिलती है। तो अब सामग्री तैयार है दोस्तों, इसे जो है हमें अपने पशु को शाम के समय ही देना है, दिन में एक टाइम देना है, और लगातार 5 से 6 दिनों तक देना है। वैसे तो दोस्तों 2 से 3 दिनों में जो है आपकी गाय और भैंस का जो दूध है वो बढ़कर आ जाएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों इसे जो है लगभग 5 से 6 दिनों तक देंगे तो एक अच्छा रिजल्ट जो है हमें प्राप्त होता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में, और ऐसी जानकारी और भी चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले।